हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान कमर और पीठ में दर्द के बारे में, क्यों होता है, आप क्या उपाय कर सकती हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाओं को और ख़ास तौर से प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में कमर में दर्द की शिकायत, पीठ में दर्द की शिकायत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। कुछ महिलाओं को स्टार्टिंग से ही दर्द रहता है, उसके भी कुछ कारण होते हैं। देखो, अगर आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ही कमर में पीठ में दर्द की शिकायत है तो हो सकता है आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो, तो आप कैल्शियम वाली चीज़ें ज़्यादा लीजिए। डॉक्टर की सलाह पे आप कैल्शियम का सप्लीमेंट ले सकते हैं, टैबलेट आता है वो ले सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी देखिए, जैसे जैसे प्रेगनेंसी का समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही आपका गर्भाशय बढ़ता जाता है, आपके बच्चे का वज़न बढ़ता है, आपका वज़न बढ़ता है, तो वज़न बढ़ने की वजह से ज़्यादातर महिलाओं को कमर में और पीठ में दर्द की शिकायत हो जाती है। यानी कि सबसे मुख्य कारण होता है वज़न बढ़ना, क्योंकि वज़न बढ़ने से सारा भार पीठ पे आ जाती है और भार ज़्यादा आने की वजह से आपको ज़्यादा दर्द सहना पड़ता है, जो कि नॉर्मली ज़्यादातर महिलाओं के साथ होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में क्या होता है कि आपके शरीर में एक हार्मोन्स बनता है, रिलैक्सिन हार्मोन्स। ये हार्मोन्स आपके पेल्विक एरिया की जो मांसपेशियाँ होती हैं ना, उसको ढीली कर देती हैं। जब मांसपेशियाँ ढीली हो जाती हैं तो उसमें दर्द की शिकायत हो जाती है, क्योंकि जब मांसपेशियाँ ढीली होती हैं ये हार्मोन्स उत्पन्न होता है, तो ये आपके बच्चे को डिलीवरी के लिए तैयार करता है, आपकी बॉडी को डिलीवरी के लिए तैयार करता है, आपके बच्चे को नीचे लाता है। तो ये हार्मोन्स बनना बहुत ज़रूरी है, और जब ये हार्मोन्स बनेगा, डिलीवरी की प्रक्रिया होगी, तो आपको दर्द भी होगा। और आपको केवल पीठ में ही नहीं, पूरे पेल्विक एरिया में दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में, प्राइवेट पार्ट में, कोल्हे में, पैरों में, जांघों में, पूरे नीचे के एरिया में आपको दर्द होता है। तो एक ये कारण है। इसके अलावा एक कारण होता है सही तरीके से ना बैठने, ना लेटने की वजह से। अगर आप प्रेगनेंसी में गलत तरीके से लेटते हैं, गलत तरीके से बैठते हैं, तो ऐसे में भी कई बार आपको पीठ में दर्द की शिकायत हो जाती है, कमर में दर्द की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान आपकी मांसपेशियाँ ढीली पड़ने लग जाती हैं। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी का समय बढ़ता है तो उस वजह से आपकी मांसपेशियाँ खिंचने लग जाती हैं, ढीली पड़ने लग जाती हैं, तो ऐसे में भी आपको पीठ में दर्द की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा तनाव लेती हैं, जो कि नॉर्मली ज़्यादातर महिलाएं लेती हैं, कभी किसी बात का तनाव, कभी किसी बात का तनाव, तो तनाव लेने से भी आपको काफ़ी ज़्यादा पीठ में और कमर में ऐंठन की शिकायत हो सकती है, दर्द की शिकायत हो सकती है। तो प्रेगनेंसी में ज़्यादा तनाव लेने की वजह से भी आपको दर्द की शिकायत हो जाती है। बाकी आपका खान पान कैसा है, अगर आप गलत खान पान रखती हैं, सही चीज़ें नहीं खाते हैं जो कि आपको लेना चाहिए, प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है, तो ऐसे में भी आपको पीठ में कमर में दर्द की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा एक कारण होता है बहुत ज़्यादा काम करना। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाएं बहुत ज़्यादा काम करती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा काम करती हैं, घर के काम कर रही हैं या फिर बाहर के काम कर रही हैं, खड़े होकर बहुत तक काम कर रही हैं, बैठ के बहुत तक काम कर रही हैं, यानी कि पूरे दिन काम में लगी रहती हैं, तो ऐसी महिलाओं को भी काफ़ी ज़्यादा पीठ में दर्द की शिकायत हो जाती है। प्रेगनेंसी में काम के साथ साथ आराम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा काम करेंगी तो हो सकता है कि आपको पीठ में दर्द की शिकायत ज़्यादा हो। तो देखिए, ये थे कारण कि आपको पीठ में, कमर में दर्द की शिकायत क्यों होती है। अब हम जान लेते हैं उपाय के बारे में। तो देखो, सबसे पहला उपाय है जो कि बहुत ज़रूरी है, वो है व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान पेल्विक वाले व्यायाम करते हैं, जो कि आपके लिए, आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उससे आपको पीठ में दर्द से राहत मिल सकती है। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पर एक्सरसाइज ज़रूर करें, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। केवल आपको पीठ दर्द में नहीं, बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा, तो एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। इसके बाद दूसरा है मालिश करवाना। आप अगर मालिश करवाते हैं तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। आप अपने घर के किसी फैमिली मेम्बर से करवा सकते हैं, या फिर आप किसी प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से भी मसाज करवा सकते हैं, मालिश करवा सकते हैं, इससे भी आपको पीठ दर्द से राहत मिल सकती है। इसके बाद जो तीसरा है वो है सही तरीके से बैठना। जब आप बैठ रहे हैं तो सीधा होकर बैठिए, पीठ के पीछे तकिया लगा के बैठिए, ताकि आपकी पीठ को आराम मिले। इसके अलावा जब भी आप लेटते हैं, कोशिश करें कि आप करवट से लेटें, जहाँ तक हो सके बाईं करवट लेटें, इससे भी आपको पीठ में दर्द की शिकायत कम होती है, होती है लेकिन कम हो जाती है। पीठ के बल लेटेंगे तो बहुत ज़्यादा दर्द आपको होगा, इसलिए जितना हो सके करवट से लेटिए, और ख़ास तौर से बाईं करवट। हो सके तो अपने पेट के नीचे तकिया लगा लीजिए, दोनों पाँव के बीच में तकिया लगा लीजिए, इससे भी आपको राहत मिल जाती है। इसके अलावा आप
मैटरनिटी बेल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप चल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उस बेल्ट को पहन लीजिए, तो इससे भी आपको दर्द से राहत मिल जाएगी। आपको बहुत ही आराम से मार्केट में मिल जाएगी बेल्ट, या फिर आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो मैटरनिटी बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आपको ना प्रेगनेंसी में कभी भी झुक के कोई सामान नहीं उठाना है, खासतौर से भारी सामान। अगर आप भारी सामान उठाते हैं तब भी आपको पीठ में दर्द की शिकायत हो सकती है, लेकिन अगर आप झुक के कोई काम करते हैं, झुक के कोई सामान उठाते हैं, तो पीठ में दर्द की समस्या आपकी और ज़्यादा बढ़ेगी नहीं है तो हो जाएगी। इसलिए ना तो झुक के कोई काम करें, कोई सामान उठाएं, ना ही आपको कोई भारी सामान उठाना है, खिसकाना है, या फिर भारी सामान के साथ कुछ भी करना है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको ना बहुत ही आरामदायक जूते और चप्पल पहनने, जितना आरामदायक आप पहन सकें उतना आपके लिए अच्छा है। हील ना पहने, टाइट ना पहने, बहुत ही मुलायम होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए, गद्देदार होने चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। इससे भी आपको पीठ में कमर दर्द की शिकायत कम होती है, ठीक है? इसके अलावा आपको ढीले ढाले सूती के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि बहुत टाइट कपड़े पहनने से भी आपको दिक्कत होती है और ऐसे में भी दर्द की शिकायत हो जाती है। इसलिए जितना हो सके ढीले ढाले कॉटन के कपड़े पहनिए, इससे भी आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई महिला प्रेगनेंसी में झटके दे के उठती हैं, तो उनको भी कमर में दर्द की शिकायत हो जाती है। इसलिए अगर आप लेट रही हैं, उठना चाहती हैं, तो पहले करवट से हो जाइए, फिर बहुत ही आराम आराम से उठिए, तो ऐसे में आपको दर्द की शिकायत नहीं होगी। झटके से उठेंगे, झटके से बैठेंगे, तो दर्द की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आप प्रेगनेंसी में बहुत देर तक खड़े होकर काम करती हैं, तो ऐसे में भी दर्द की शिकायत हो सकती है। इसलिए बीच बीच में अपना पोस्चर चेंज करते रहिए, खड़े हो तो बैठ जाइए, किसी और अवस्था में खड़े होकर काम कीजिए, तो इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। सो फ्रेंड्स, देखिए अगर आप इन उपाय को अपनाएंगी तो इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। बाकी आप डॉक्टर से बात कर सकती हैं। और हाँ, देखिए कमर में दर्द की शिकायत कितना होने पर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो अगर आपको लगातार ही दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाइए। अगर अचानक से आपको बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द की शिकायत हो गई है तो आपको जाना चाहिए। इसके अलावा कमर में दर्द के साथ साथ आपको यूरिन करते समय चुभन हो रही है, दर्द हो रही है, तो आपको जाना चाहिए। इसके अलावा देखो, आपको प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में अगर कमर में दर्द हो रहा है, इसके अलावा आपका दर्द पाँव की तरफ जा रहा है, आपको पेट के निचले हिस्से में भी दर्द महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको लेवर पेन आना शुरू हो गया है। और ये जो दर्द होता है ना कमर में दर्द, ये आपको रुक रुक के थोड़ी थोड़ी देर पे आता रहता है और समय के साथ बढ़ता रहता है। तो ऐसे में भी आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाएगी, तो लेवर पेन होने पर भी आपको हॉस्पिटल जाना है। बाकी दर्द बहुत ज़्यादा है, असहनीय है, इतना दर्द है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो डॉक्टर के पास जरूर जाइए, जब आपको बर्दाश्त नहीं करना। लेकिन नॉर्मल है, कभी कभी होता है, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो तरीके मैंने आपको बताए हैं उसको अपनाइए, थोड़ा आराम करने पर ध्यान दीजिए, और टाइम पर खाना खाइए, हेल्दी चीज़ें लीजिए, आराम कीजिए, और सोने जगने का ध्यान रखिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।